नमस्कार साथियों, 23 अक्टूबर 2022 को बड़ा सुंदर सा पर्व है जिसका नाम है धनतेरस। धनवंतरी जयंती भी इस दिन कहते हैं। यह त्यौहार दीपावली आने के पूर्व सूचना देता है। आप धन संग्रह कर लीजिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान कीजिए। अधिक मिष्ठान इत्यादि मत खाइए। शरीर को उतना ही आनंद दीजिए जितना आपको सुख देगा, जितना आपके शरीर को बल देगा। तो इसलिए यह धनतेरस विशेषतः धन को अर्थात एकत्रित करना। इस दिन लोग जो हैं स्वर्ण का, चांदी का या कोई नए बर्तन खरीदता है, नई नई चीज़ अपने घर के अंदर आप जो है संवार सकते हो। यह त्यौहार यह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन घर में लक्ष्मी का आवास मानते हैं। इस दिन ही धनवंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धनवंतरी जयंती भी कहते हैं। एक दिन कथा इस प्रकार से है। एक दिन भगवान विष्णु मृत लोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कहकर ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद ईख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया, ईख तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौटे और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है 13 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊँगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे उसने गंगा में कोड़ियाँ डाली वैसे गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखकर गंगा जी से पूछा, ये 4 भुजाएं किसकी थी? गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां मुझे भेंट की वे किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, वे ही दे गए हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर में जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और जो पुरुष है वो विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को न जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था जो कि लक्ष्मी 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी चंचल होती है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर में आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कार सुन लेने के बाद लक्ष्मी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए और दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर 13 वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू किया। जिस प्रकार से माँ लक्ष्मी ने उस किसान के घर को चारों तरफ से अपने आनंद से, अपने आशीर्वाद से भर दिया, साथियों आप लोगों का भी धनतेरस के दिन इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी परिपूर्ण करें, मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस दिन विशेषतः कुछ नया वस्त्र, नया बर्तन लिया जाता है और अपने घर में रख करके दीपावली की जो है माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए, स्वागत के लिए नई नई तैयारियां शुरू की जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ फिर आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।